चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट स्वामी ओम महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। कई बार पीट चुके स्वामी ओम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके हंगामा मचा दिया है। दिल्ली पुलिस के इंटर सेल्स क्राइम ब्रांच ने भजनपुरा इलाके से बुधवार को स्वामी ओम महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं कि कैसे पुलिस के अधिकारी स्वामी ओम को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी ओम पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिसके एक आरोप है कि स्वामी ओम पर चोरी के मकसद से जबरन घर में घुसने और हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप भी दर्ज है। साथ ही लोगों को गुमराह करने ते हुए उन्होंने कहा था कि वो भगवान की तरह पानी पे भी चल सकते हैं। और तो और कुछ दिन पहले स्वामी ओम को एक आयोजित कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया था, जहाँ पर मौजूद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की थी। ये घटना दिल्ली के विकास नगर की है। खुद को साधु संत बताने वाला स्वामी ओम महाराज बिग बॉस सीजन 10 में एक विवादित कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए थे। शो के दौरान स्वामी ओम महाराज ने अपने बर्ताव से सभी हदें पार कर चुके थे। और तो और बिग बॉस के साथ उनके साथी कंटेस्टेंट रोहन मेहरा और बानी पर पेशाब फेंकी थी। इसके बाद उन्होंने बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया था। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उन्होंने सलमान खान को लेके आपत्तिजनक शब्दों का काफी प्रयोग किया गया था। सलमान खान को उन्होंने आतंकवादी तक कह डाला था।